Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. I'm again back with daily series of idiom and phrases, जहाँ हम रोज 10 idiom phrases discuss करते हैं और आज class 2 है, so let us start the session now. तो आपका first idiom है a leap in the dark. Leap in the dark का क्या मतलब है कि something you do without being certain that what will happen. कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ आपको पता नहीं है क्या होगा और वो सिचुएशन रिस्की भी हो सकती है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस idiom का यूज़ करते हैं ना बच्चों, उसे हम कहते हैं अ लीप इन द डार्क. अब इसको सेंटेंस से समझो कि ही टुक अ लीप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक. मतलब उसने एक रिस्क लिया है, स्टॉक में उसने इन्वेस्ट करा है, तो उसने एक रिस्क लिया है और उसे पता नहीं है कि ये जो इसने पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक रिस्क लिया है वो बेनिफिशियल होगा या फिर नॉन बेनिफिशियल होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड है अ सी चेंज. सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज. द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अंडरवेंट अ सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया था 19वीं सदी के दौरान. नेक्स्ट idiom है बच्चों अ सोर पॉइंट विद. सोर पॉइंट विद का मतलब अ सब्जेक्ट दैट कैन मेक समबडी एंग्री और अपसेट. कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा विषय जो किसी को एंग्री यानी कि किसी में गुस्सा भी पैदा कर सकते हैं, किसी को दुखी भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स ऑफ स्कैम्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैज़ बिकम अ सोर पॉइंट फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट. कि ये जो जगह जगह स्कैम की रिपोर्ट्स फैलती चली जा रही हैं, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए ये वाकई में एक निराशा का विषय है, एक गुस्से का विषय है. ठीक है ना. नेक्स्ट है बच्चों अ स्क्वायर डील. स्क्वायर डील का मतलब होता है एन ऑनेस्ट वे और वर्क, ईमानदारी भरा कार्य. ठीक है, जहाँ भी स्क्वायर आ रहा है किसी भी idiom में, आप समझो कि ऑनेस्टी की बात हो रही है. ही इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेस मैन एंड ही ऑलवेज बिलीव इन अ स्क्वायर डील विद हिज कस्टमर्स. कि वो एक ऑनेस्ट बिजनेस मैन है और वो हमेशा बिलीव करता है कि उसकी जो डील हो विद हिज कस्टमर्स वो एक ऑनेस्ट डील हो. ठीक है. अ स्टैंडिंग जोक. स्टैंडिंग जोक बच्चो समथिंग दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर फेमिलियर विद एंड लाफ अबाउट इट ऑफन. कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है उसे इस बारे में पहले से पता है. ठीक है, और वो उसको सोच कर ऑफ्टन हंसते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बिकम अ स्टैंडिंग जोक दैट पोवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन अ कंट्री. कि हमारे लिए एक ये हंसी का विषय बन गया है कि हमारे देश में जो गरीबी है वो ख़त्म हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों अबाउट फेस या फिर टर्न. अबाउट फेस या फिर अबाउट टर्न का मतलब होता है कि किसी के विचारधारा में, किसी की आइडियोलॉजी में एक कंप्लीट चेंज आ जाता है. ठीक है. देर हैज़ बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, पॉलिसी नहीं है, कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है, उसकी आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है. नेक्स्ट है बच्चों अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. ठीक है ना. आर डीलिंग विद द कस्टमर्स इज क्लियरली अबव बोर्ड. हमारी जो डीलिंग है हमारे कस्टमर के साथ, दे आर वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट. नेक्स्ट है बच्चों अबव पार. अबव पार या फिर आप पढ़ोगे आगे जाके बिलो पार. ठीक है, तो अभी तो हम अबव पार की बात करते हैं. अबव पार का मतलब है कि बेटर देन नॉर्मल, कि नॉर्मल से बेहतर है. ही इज़ क्लियरली अबव पार अमंग ऑल द प्लेयर्स. कि जितने भी प्लेयर हैं उसमें ये बेटर है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों एस ऑफ वन स्लीव्स. इसका मतलब होता है सीक्रेट नॉलेज दैट विल गिव यू एन एडवांटेज. कि कोई ऐसी सीक्रेट नॉलेज, एक कोई छुपी हुई ऐसी बात जो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एडवांटेज देगी. ही इज़ अ श्रूड पॉलिटिशियन. श्रूड मतलब कनिंग है, क्लेवर पॉलिटिशियन है, चलाक पॉलिटिशियन है. एंड ही हैज़ ऑलवेज हैड एन एस अप हिज स्लीव्स टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स. और उसके पास हमेशा कोई विषय ऐसा होता है जहाँ वो औरों के ऊपर अपनी एक एडवांटेज क्रिएट कर लेता है. ठीक है ना. नेक्स्ट idiom है बच्चों अकिलीज हील. अकिलीज हील का मतलब होता है स्मॉल बट फेटल वीकनेस. कि कमज़ोर पक्ष जिसे आप कह सकते हो. ठीक है, कोई ऐसी वीकनेस जो बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है लेकिन वो डेडली साबित हो सकती है. ठीक है ना. जैसे आप बोलो मैथमेटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन माई अकिलीज हील.
सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बिकॉज आपके ही सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो पाएगा और जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है बच्चों, वो आपकी ही मदद से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलो, बिकॉज आपके ही सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच।